गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के नेक्स्ट टॉपिक की। लेकिन टॉपिक को फॉरवर्ड करने से पहले जो अभी तक लेक्चर्स आपको डिलीवर किए गए हैं उसके कुछ डाउट्स की बात करते हैं। तो डाउट से भी पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ कंप्लीट चैप्टर का। सो प्रिंसिपल्स of inheritance, and variations. हमने स्टार्ट किया था कि जब कोई एलिफेंट अपने यंग वन को बर्थ प्रोवाइड करता है तो हमेशा एक पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर प्लांट अपने जैसे ही यंग वंस को या इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, किसी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकेंडली, जब भी पेरेंट कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है तो उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। अब साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो इन चीजों का आंसर दे सकती है कि क्यों एक इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल से प्रोड्यूस करता है, दूसरा उसके जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेनी मेंबर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस लिटिल बिट क्यों होता है या उनमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज क्यों होती है। तो जो जेनेटिक्स है वो उसका आंसर देती है। जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स की। इनहेरिटेंस जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सिमिलरली इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज की जाती है और यही वजह है कि इनहेरिटेंस को बेसिस ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग जो हमने स्टडी की थी वो थी वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड इट्स प्रोजेनी। पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में कितना डिफरेंस है, या कुछ केसेस में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो उन मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ली ह्यूमंस को ये तो पता था कि वेरिएशन का एक कोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसी का वो यूटिलाइजेशन करते थे डिजायरेबल ट्रेट के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था साइवल काओ का, जिसको प्रोड्यूस किया गया था लगातार हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्टर वाइल्ड काउस। साहिवाल काउ या कोई भी इस तरह का जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया जाता है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। पहला लॉजिक होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना हो तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की बात हो सकती है। सेकंड, अडेप्टेशन टू इट्स हैबिटेट और टू इट्स एनवायरमेंट, तो अपने एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कितने अच्छे तरीके से एक इंडिविजुअल एडजस्ट कर सकता है, तो ये पर्पज होते हैं जिसके लिए एक इंडिविजुअल को ब्रीड कराया जाता है। तो साहिवाल काउ भी इसी तरीके से ब्रीड की गई थी। हालांकि वो लोग जानते थे कि वेरिएशन आती कैसे है लेकिन साइंटिफिक रीजन वो नहीं जानते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देने की बात करी, लेकिन उनमें से ज्यादातर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इनहेरिटेंस ऑफ रूल्स को देने में वो मेंडल्स के अकॉर्डिंग था। ग्रीगर मेंडल ने मिड 19th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके बेस पे बताया था कि किस तरीके से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। उसकी सक्सेस के कुछ रीजंस थे कि उसका जो सैम्पलिंग साइज था एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बड़ा था, जिससे उसके डाटा को क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी, मीन्स जिसको हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, जिसका कोई बेस होता है, तो क्रेडिबिलिटी थी उसके डाटा की जिसकी वजह से उसको प्रेफरेंस में रखा गया। सेकेंड थिंग कि जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे पी प्लांट्स के अंदर वो सारे के सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, जिससे दो इंडिविजुअल प्लांट्स को डिफरेंशिएट करना आसान था, तो डाटा भी अच्छे से कलेक्ट हो पाया। थर्ड थिंग कि जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं और अपने रिजल्ट देता हूं, अगर उसी एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा से करते हैं और सेम वही रिजल्ट आ जाते हैं तो कन्फर्मेशन हो जाते हैं कि जो पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो सेम मेंडल का जो वर्क था उसको भी इसी तरीके से रिकन्फर्मेशन मिला। इसके अलावा पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, इस वजह से भी उसको कंसीडर किया गया था मेंडल की सक्सेस की एक रीजन में।
एक क्वेश्चन था कि जैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो पी प्लांट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों प्रेफरेंस में रखा गया, तो इसकी वजह ये थी कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ पोलिनेशन तो ऑलरेडी आसानी से उसमें हो सकता है, लेकिन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें इमेस्कुलेशन और बैगिंग दो टेक्निक का यूज करना पड़ता है। अब इमेस्कुलेशन जो टेक्निक है वो आसानी से कैरी आउट की जा सकती है पी प्लांट में और उसकी स्टडी आसानी से की जा सकती है, इसलिए वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे स्टेबल था, ना कि हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल कंडीशन में ऐसा हो पाता, इसलिए ये भी एक पॉइंट आ सकता है उसकी सक्सेस के लिए। उसके बाद मेंडेल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जितने भी पी प्लांट्स या वेराइटीज ली थी वो सारी प्योर वेराइटीज ली थी, प्योर प्लांट्स या ट्रू ब्रीडिंग, जो मैंने कहा था कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करते हैं। इससे एक क्वेश्चन आया था आपकी साइड से कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस में होता है कि कोई भी चेंज ना हो, पेरेंट से कैरेक्टर एज इट इज प्रोजेनी के अंदर चले जाए, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन था कि क्या उसमें दूसरे जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद, क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक्चुअल में प्योर लाइन हम तभी बोलते हैं जब जिस इंडिविजुअल के जो जीन्स हैं वही बार बार एक्सप्रेस करें, यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेल्फिंग होती है। अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे दूसरे मेंबर के जीन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको हम प्योर लाइन नहीं बोल सकते हैं, तो ये एक डिफरेंस है जो प्योर लाइन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, 7 कैरेक्टर्स में मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हम प्लांट के हाइट की बात करते हैं, उसके बाद फ्लावर की पोजीशन कि वो टर्मिनल है या एक्सियल पोजीशन में है, फ्लावर पोजीशन के बाद नेक्स्ट थिंग आती है फ्लावर कलर की कि फ्लावर वायलेट है या फिर वो व्हाइट है। इसके अलावा फ्लावर से बनता है फूड, तो फूड में पोड की शेप क्या है, पोड का कलर क्या है, पोड की शेप में इन्फ्लेटेड हो सकती है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। कलर की बात करें तो पोड का जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है। सिमिलरली अगर हम पोड को ओपन करते हैं, फूड को ओपन करते हैं तो उसमें से निकलते हैं सीड्स। अब सीड्स की बात की जाए तो जो सीड्स है वो राउंड भी हो सकते हैं और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। कलर की बात की जाए तो जो कलर होता है वो भी येलो और ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है। तो 7 कैरेक्टर्स थे लेकिन उनके अल्टरनेटिव फॉर्म को अगर हम टोटली काउंट करें तो 14 ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बनती हैं ये, जिनको मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए हर बार प्योर लाइन का ही यूज किया था। उन्होंने प्योर लाइन का यूज करते हुए क्रॉस कराया, जब टोन प्योर टोन और प्योर डॉट प्लांट को क्रॉस कराया तो एफ1 प्रोजेनी जो ऑब्टेन हुई इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स टोन थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। उसके बेस पे उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कोई चीज है जो स्टेबली ट्रांसमिट होती है, जो चीज स्टेबली ट्रांसमिट होती है उसने उस टाइम पे उनको बोला था फैक्टर्स, अब उन चीजों को बोला जाता है जीन्स, यानी कि मेंडल ने जिनको फैक्टर्स बोला था उनको हम जीन्स बोलते हैं, और जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, उसके अंदर सारी वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिससे पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रोजेनी में जा सकते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, यानी कि एक जीन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक जीन का ट्रांसमिशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक कैरेक्टर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे या किसी भी इंडिविजुअल के होमोलोगस जो क्रोमोसोम पेयर होता है उसपे सेम लोकाई पे वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक क्रोमोसोम फादर से आता है और एक क्रोमोसोम मदर से आता है या मेल और फीमेल से आता है, तो उनके ऊपर सेम लोकेशन पे सेम जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको जनरली सिंगल जीन बोल देते हैं उस कैरेक्टर के लिए, हालांकि वो दो जीन्स हैं और जब वो दोनों जीन एक ही कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे हाइट है, हाइट के लिए जो जीन होगा उसको हम जीन फॉर हाइट बोलेंगे, लेकिन अब एक इंडिविजुअल में हाइट के लिए दोनों जीन डोमिनेट टोल हाइट के लिए भी हो सकते हैं, दोनों द्वार हाइट के लिए भी हो सकते हैं या एक टोल और एक द्वार के लिए हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम उनको बोलते हैं एलील्स, मींस अ पेयर ऑफ जीन्स विच कंट्रोल अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे पी प्लांट के केस में टोल और द्वार ये हाइट की दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी टोल हाइट के लिए और स्मॉल टी स्मॉल हाइट के लिए या ड्वार्फनेस के लिए यूज किया जाता है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं एलील्स। एलील्स एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जो अलग अलग क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली जब भी कोई गैमेट बनता है तो ये एलील्स वो सेपरेट हो जाते हैं, तो यहां पे
जो एलील्स हैं वो एक ही जीन की फॉर्म होती है और वो उसी तरीके से ट्रांसमिट होती है। अब नेक्स्ट थिंग हमने जो स्टडी किया था या जो हम स्टडी अब करने वाले हैं उसमें है कि जो एलील्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सो एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि जो एलील्स हैं उनको हम जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलील्स ऑफ अ जीन और कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ वन प्रोजेनी के अंदर जो ट्रेट अपीयर होती है उस ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है या जीन है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन एफ वन जनरेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट फैक्टर और बाय अ फैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर व्हाइल द फैक्टर फॉर अनदर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। तो जो दूसरी ट्रेट होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते होता क्या है इसमें। एफन जनरेशन में जैसे टोल प्लांट और द्वार प्लांट, टोल और द्वार प्लांट को जब क्रॉस कराया जाता है तो एफन जो प्रोजेनी ऑब्टेन होती है उसके अंदर सारे के सारे टोल प्लांट है। अब इसमें जो टोल ट्रेट है क्योंकि जो कैरेक्टर हाइट है कैरेक्टर हाइट की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है या ट्रेड्स होती है टोल एंड ड्वार्फ। एफ वन के अंदर सिर्फ टोल जो ट्रेट है वो अपियर हुई है, ड्वार्फ ट्रेट अपियर यहां पे नहीं हुई है। मींस अगर हम प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो जितनी भी प्रोजेनी ऑब्टेंड होती है सारी की सारी टोल हाइट वाली होती है। तो एफ वन हाइब्रिड के अंदर या एफ वन जनरेशन के अंदर जो भी ट्रेट एक्सप्रेस करती है उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टोल हाइट है तो हमने उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि एक्सप्रेस कर दिया। कौन सी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुई है, वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुई है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास एफ वन जनरेशन में ट्रेट अपियर होती है उसको कैपिटल लेटर से और जो अपियर नहीं होती है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी एलील्स होते हैं जीन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होते हैं उसको इसी तरीके से हम अल्फाबेट से इंग्लिश अल्फाबेट के वेरियस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि जब हम प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो एप्पल में सारे टोल प्लांट्स मिलते हैं। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे कैरी आउट किया कि जो टोल प्लांट्स उनको मिले थे उन टोल प्लांट्स की उन्होंने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, मतलब इसी प्लांट का पोलन ग्रेन इसी के स्टेमा के ऊपर डिपोजिट करा दिया गया। जब ऐसा किया गया तो उससे एक नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुई जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज एफ टू जनरेशन। अब जो एफ टू जनरेशन है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स ऑब्टेन हुए जब उनकी अपीयरेंस देखी गई तो
तो उनकी अपीयरेंस अलग अलग थी, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे टोन प्लांट नहीं मिले बल्कि यहाँ पे दोनों तरह के प्लांट का मिक्सचर मिल गया। यहाँ पे एक्टिव जनरेशन में टोन प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तो ऐसे केस में जब इस तरह की प्रोजेनी हमें ऑब्टेन होती है तो हम यहाँ पे कैरेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या लेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड के लिए तो हमने कैपिटल पी और स्मॉल टी यूज कर लिया था, यहाँ पे हमारे पास प्योर टोल था और प्योर ही ड्वार्फ होता है। हालांकि प्योर यहाँ पे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि ड्वार्फ हमेशा रिसेसिव कंडीशन में ही ऑब्टेन होता है। तो इसके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल टी होंगी क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक कैरेक्टर को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक ट्रेड को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर प्योर कंडीशन में एक जैसे होंगे, प्योर ड्वार्फ कंडीशन में एक जैसे होंगे। तो जो लेटर रिप्रेजेंटेशन वो इस तरीके से कैरी आउट की जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें तीन तरह की जीनोटाइप या जो कंपोजिशन वो देखने को मिल रही है। ये तीन तरह की जेनेटिक कंपोजिशन हमें देखने को मिलती है। इन जेनेटिक कंपोजिशन को आगे हम एक टर्म से डिनोट करेंगे जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और इन जीनोटाइप से जो फिजिकल अपीयरेंस आती है, मीन्स अगर ये जीनोटाइप होगी तो प्लांट कैसा होगा, दोनों स्मॉल टी होगी तो प्लांट कैसा होगा, उसको लिए हम टर्म यूज करते हैं फिनोटाइप। सेकेंड थिंग, जीनोटाइप फिनोटाइप के अलावा जो एक जेनेटिक कंपोजिशन है इसमें अगर दोनों एलील्स एक जैसे हैं, जैसे इस वाले केस में एक जैसे हैं और इस वाले केस में एक जैसे हैं, तो इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और अगर दोनों एलील्स जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं अगर वो डिसिमिलर है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है हेटरोजाइगस। तो ये कुछ टर्म्स निकल के आती है जब हम किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को कुछ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और उनके अकॉर्डिंग हम ये कुछ टर्म्स हैं ये यूज करते हैं। अब इन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोजाइगस और हेटरोजाइगस से। होमोजाइगस, होमोजाइगस का क्या मतलब होता है? When both the alleles of a gene or a character are similar, then the condition is known as homozygous. Homozygous condition, and the individual is known as homozygous individual organism, and organism is known as homozygous organism or individual. एग्जाम्पल के लिए जैसे कंडीशन आती है कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पे हाइट की दो फॉर्म होती है जैसे मैंने आपको बताया टोल एंड ड्वार्फ। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर दोनों एलील्स जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं अगर वो दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो हम उस तरह की कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म या होमोजाइगस इंडिविजुअल।
तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया जो टोल है और ये ड्वार्फ है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो होमोजाइगस इंडिविजुअल की होती है वो होती है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल किस तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ गैमेट्स। जो भी होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा वो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम टोन प्लांट की बात करें, टोल पी प्लांट, क्योंकि ये प्योर टोल पी प्लांट है। प्योर का मतलब दोनों जो एलील्स हैं वो कैपिटल टी है। अब ये डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, और जैसे हम पहले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस प्रोसेस से होता है, और मियोसिस प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब गैमेट बनेंगे तो दो गैमेट मान लो हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी गया, दूसरे गैमेट में भी कैपिटल टी गया। तो क्या ये दोनों गैमेट एक जैसे नहीं है? दोनों गैमेट एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है वो सिर्फ एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है। द्वार प्लांट की बात करें तो उसमें भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द्वार प्लांट के अंदर दोनों स्मॉल टी है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों गैमेट के अंदर या जो भी गैमेट्स बनेंगे, जितने भी गैमेट बनेंगे, सभी गैमेट के अंदर दोनों एलील में से एक-एक एलील ही प्रेजेंट होगा। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिसमें दोनों एलील्स जो एक जीन के होते हैं, या एक जीन की जो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में, या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों फैक्टर्स या जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तब हम उस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में दोनों एलील्स आइडेंटिकल होने चाहिए। सेकंड, जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो गैमेट होंगे तो गैमेट भी प्योर फॉर्म में होंगे, मींस एक जैसे प्रोड्यूस होंगे, यानी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल सिंगल काइंड ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट थिंग हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर